एवरीवान माब्रै दं आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड आंबो मोजाङै दं आरो ना ओमफ्राय नै जों दा लोगोनि न'आवहाय फैदों आरो लोगोनि बिनानावनि बार्थडे दं बिनि थाखायनो ओमफ्राय बिसोरनाव बहुत क्यूट क्यूट सैमा दं आरो ना नै फिसाबो दं ओमफ्राय गिदिरबो दं बडि क्यूट हेयो लोग जि क्यूट खारो ना न'आवसो लांनो लुबैलायो नायबाथाय माने नुबाथाय ओमफ्राय बिनि बिनानावनि बार्थडे दं जों दा माने डेकोरेशन खालामनो नागिरबाय आरो गाइस अभी हम लोग है दोस्त की घर पे और उसकी बहन की बर्थडे है इसलिए देखो ये है स्टार बैलून एंड बर्थडे गर्ल इज हियर शी इज गेटिंग रेडी फॉर हर बर्थडे नहीं भेजा पर वरना बेलूना जी मैं लस्क है ये है उसकी छोटी बहन आई मीन सदमश्री की एंड उसकी छोटी बहन की बर्थडे है आज ओमफ्राय नै बेजा मैगं आरि हागास दं आरो ना बार्थडेनि थाखाय ओमफ्राय नै बे आबै आबै फेजि सोरबा सिनायोबा कमेन्टाव खिथाहर जोंनि बेनि मानसिफ्रा सिनायनो हागौ बिराद फेमास आरो ना बे आबैया अलमस्ट डान डेकरेटिव एन्ड सदमश्री डेकरेशन कर रही है सब कुछ रेडूब ने किया है डेकोरेशन एंड सदमश्री निकू निकू सो रही है ये वाले बर्थडे के बहुत ही क्यूट है एंड यहाँ पे हैप्पी बर्थडे भी लिखा है एंड आई विल ट्राई दिस कैप ओके बर्थडे कैप Now it's time to cut the cake. Let's enjoy. रोबा बेखौ खुलिनो ट्राइ खालामदोंमोन आरो ना ओमफ्राय बुस्तुआ बारा मोजां नङा माने जायासै सो गाइस अभी केक कट कर चुकी हैं एंड ये लोग देखो क्रीम लगाने के लिए ढूंढ रही थी मुझको एंड मैं यहाँ पे छुपी हुई थी प्लीज़ गॉड देख ना पाए मेरे को प्लीज़ मेरे सामने ये देखो बट स्टिल मुझे नहीं देखा ये लोग वरना लगा देगा फाइनली यहाँ पे रेडू बैठ रही थी एंड उन्होंने मुझे देख लिया और ये देखो मेरी बहन ने दी थी इसको बहुत ही क्यूट है ये लगा दिया देखो ए नहीं मारेगा दे अगर लगाएगा तो इस चार्जर से तेरा सर फोड़ेगा मैं अभी हम लोग खीर एंड चिकन खाने वाले हैं एंड लेट्स ईट दिस फर्स्ट है एवरीवन इट्स नेक्स्ट डे एंड अभी मैं जा रही हूँ मंडली विलेज पे मेरी कजिन सिस्टर के घर पे एंड वहाँ पे ना हम लोग मतलब फैमिली पार्टी करने वाली है मेरे मम्मी लोग भी गए हैं वहाँ पे तो चलो हम लोग भी जाते हैं एंड जाने से पहले मुझे पार्सल रिसीव करनी है देखो हम लोग अभी डेंडाघाट मार्केट पर पहुँच चुकी हैं डेंडाघाट मार्केट पर यहाँ पे मीशो की पार्सल होती है तो मैंने मीशो पर ही ऑर्डर किया था एंड चलो पार्सल को पहले रिसीव कर लेते हैं पार्सल रिसीव करते ही हम लोग यहाँ पे आ चुकी है मेरी कजिन सिस्टर के घर पे एंड देखो यहाँ पे पापा लोग उन लोग की फोन पे मतलब फीस पकड़ा था एंड देखो कितना बड़ा बड़ा फीस है आवर फैमिली गोना हैव पार्टी टुडे
एंड ये है मेरी कजिन सिस्टर अंगनी कजिन सिस्टर रहना देखो यहाँ पे मम्मी लोग टोमेटो एंड गार्लिक ऑनियन पेस्ट कर रही है मतलब काट भी कर रही है और साफ भी कर रही है। ये है मेरी कजिन सिस्टर मेरी मामा की बेटी एंड देखो मेरे से भी हाइट बहुत ज्यादा हो गई है उसकी एंड ये है मेरी बहन। लोग आज फिर से मिली है एंड आज पार्टी भी है क्योंकि अभी तो दिसंबर मंथ चल रही है एंड ये है मेरी पार्सल जो कि मैंने रिसीव की थी मेसो से। इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और मटेरियल भी बहुत ही अच्छी है। देखो अंदर से ये पूरा सॉफ्ट है एंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा पहनने में। पार्सल रिसीव करते ही मैंने इसको पहन के ट्राई कर लिए हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पहनने की मन थी। मैंने पहन के भी ट्राई कर लिए एंड बहुत ही अच्छी है ये वाली। मैंने थोड़ा सा साइज़ छोटा सा ही ऑर्डर की थी क्योंकि इसको ऐसे ही मतलब पहनती हैं। आज बहुत दिन के बाद सब लोग एक साथ हुई हैं इसलिए बहुत ही अच्छा फील हो रही है। ये देखो मेरे डॉगी इतना अच्छा था मोरी गया मर गया ये कोई सा है इसका डॉगी मोरी गया गाइस क्या ही बोलूं इसका डॉगी मोरी गया। ये है मेरी कजिन दिमापुर से एंड ये बता रही थी कि उसकी डॉगी मतलब मर चुकी है एंड इस तरफ है मेरे मामा की बेटी पता नहीं इसको क्या हो गई है अकेले अकेले बैठ रही है। बिंगो चिप्स ये क्या है पुकलू ऑरेंज है ना ये कहाँ से मिला वहां बना कौन पैसा है तू निकता मिंग जया मिंग जया नहीं कुमला जा कर लाख दे। देखो गाइस फाइनल पापा लोग आ चुकी हैं। देखो कितना बड़ा बड़ा फीस है मैं तो इसको उठा ही नहीं पा रहा शायद ये 3-4 kg होगा एक पे ही एंड देखो कितने बड़े बड़े फीस है। काट कर रही थी मम्मी लोग इसको साफ कर रही है। देखो ये है सिल्वर शायद बहुत बड़ा है अभी मेरी दीदी के घर पे 3-4 pounds है एंड वहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा फीस है और यहाँ पे मेरे पापा लोग फीस कट कर रही थी। देखो कितने बड़ा बड़ा फीस है सिल्वर एंड ग्रास कप वगैरह है पर यहाँ पे गोल्ड फीस नहीं है। ओके मुझे तो गोल्ड फीस बहुत ज़्यादा पसंद है एंड अभी हम लोग ऑरेंज तोड़ने के लिए जा रही है। देखो ऑरेंज की ट्री बहुत ही ऊंचा है एंड हम लोग अभी इसको तोड़ रहे हैं। बहुत ही नेचुरल एंड लोकल ऑरेंज है ये अभी मैं इसको तोड़ने जा रही हूँ एंड ये बहुत ज़्यादा ऊँचा है गाइस बहुत ही डिफिकल्ट होगा बट स्टिल आई विल ट्राई। देखो किस तरीके से मैं इसको तोड़ती हूँ ये इसके अंदर में घुस जाती है और घुसने के बाद इसको मतलब निकाल देती है नीचे लाके एंड ये है मेरी दीदी की बेटा और ये बहुत ही क्यूट है। देखो फाइनली हम लोग को बहुत ज़्यादा ऑरेंज मिल चुकी है चलो जल्दी से इसको रख देते हैं। हम लोग शॉप पे आए थे एंड देखो ये है गिनगर की पिकल अभी मैं इसको खाने वाली हूँ और गिनगर के साथ हम लोग ने ली है गार्लिक गार्लिक पिकल मेरी फेवरेट है ये बचपन में मैं बहुत ही खाती थी इसको। सो गाइस हम दोनों अभी थोड़ा बहुत इवनिंग वॉक कर रही है एंड ये था मेरा पर्स और इसको मैं अभी पहन लिया है बहुत ही कम्फर्टेबल है ये एंड बहुत ही अच्छी है और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंड है क्या ये बोलूँ क्योंकि सामने में जहाँ पे भी देखो सामने में तो माउंटेन ही माउंटेन है आप लोग को दिखाऊंगी। देखो उस साइड पे है माउंटेन गिर जाएगा तो मर जाएगा यहाँ से कौन मर जाएगा जी गाप सायो अखबार यार ना जगह नहीं व्यू पॉइंट इतना देखिए से कजिन की घर के सामने है पहाड़ एंड देखो पहाड़ पे किसी की स्टेचू की जैसा लग रहा है वो वाला पैर किसी लेडीज की स्टेचू की जैसा लग रहा है। सो गाइस इट्स ऑलरेडी 10 PM राइट नाउ एंड अभी हम लोग खाना खाने वाले हैं दैट्स व्हाई आई विल स्किप। खाना खाने के बाद डायरेक्ट देखो मेरे कज़िन लोग डांस कर रहे थे कज़िन एंड दीदी की बेटा बहुत ज़्यादा डांस कर रही थी क्योंकि आज मतलब पार्टी है फैमिली पार्टी। Thank you.
बच्चों के साथ साथ मेरे मम्मी एंड मेरे मम्मी की छोटी बहन, सबसे छोटी बहन भी डांस कर रही थी देखो, एंड हम लोग भी इंजॉय कर रही थी बहुत ज़्यादा। यही है म्यूजिक की बॉक्स जो मेरी मम्मी लोग बहुत ज़्यादा डांस कर रही थी, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये है मेरी दीदी की सासू माँ, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।